आपको लग रहा होगा इतना भाग के कहाँ जा रही हूँ, बट ना मुझे रोज सुबह नए नए ख्याल आते हैं। आज मुझे लगा कि मैं आज कहाँ जाऊँ और सडनली मैंने सोच लिया कि मैं जाती हूँ चोर बाजार मुंबई। सुन के बड़ा एक्साइटिंग लगता है क्योंकि नाम ही ऐसा है, चोर बाजार। बारिश हो रही है काफी यहाँ पर, पता नहीं वहां पर क्या हाल है। ये है ग्रांड रोड पे मुंबई में, वैसे काफी टूरिस्ट लोग भी वहां पर जाते हैं, तो हम भी जाके देखते हैं। फिर जैसे ही मैंने फैमिली में और अपने दोस्तों को बताया ना कि मैं चोर बाजार जा रही हूँ, सब लोग डर गए, बोलते अकेले मत जाओ, किसी को साथ में लेके जाओ। तो अभी मैंने अपने एक फोटोग्राफर फ्रेंड को कॉल किया और वो भी मेरे साथ ज्वाइन हो रहा है, अभिषेक, तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। ये है अभी। हाय अभी, एक्साइटेड? लोग है सीलिंग पे मुंबई की ब्यूटी और यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पे है चोर बाजार। पता है मैंने सुना है कि वहाँ पर बार्गेनिंग बहुत होता है। I'm so much excited. चोर बाजार के एरिया में पहुंच चुकी हूँ मैं, बट यहाँ पर माय गॉड ऐसी जगह है, यहाँ पर गाड़ी पार्किंग की भी जगह नहीं है। लाइक हम लोग गलियों में इधर उधर घूम रहे हैं और काफी डरावना भी लग रहा है। और आज एक्चुअली जुम्मा है, फ्राइडे है, जिस दिन मैं यहाँ पर आई हूँ, तो इसलिए शायद ज्यादा ट्रैफिक है। कितने सालों से ये चोर बाजार? काफी सालों से मैडम, मैं तो क्या यहाँ पे अभी नया हूँ, तो वो पहले से ही है, काफी पहले से है। यहाँ पर उनका शोरूम है यहाँ पर, तो यहाँ से गली है जो जहाँ पर जाके चोर बाजार आएगा, तुम लोग वहाँ जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, वैसे काफी कम हो चुकी है और मैंने मास्क पहन लिया है क्योंकि ना एरिया थोड़ा डेंजरस है, तो बस थोड़ा चल के आगे जाना है। अभिषेक रेडी है? वाह अभिषेक, वाह अभिषेक मेरे लिए अम्ब्रेला होल्ड कर रहा है। ये तो गाड़ी का है ना, लेकिन गाड़ी अभी वहाँ से डेवलप हो रहा है ना, तो ये सब यहाँ चेंज हो रहा है। तो ये है वकील अहमद और यहाँ पर कितने साल से आप? 12 साल से। अच्छा, मुझे जाना चोर बाजार कितना पुराना है? ये ब्रिटिश के जमाने का ही है। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के जमाने का ही है ये बाजार। महारानी विक्टोरिया के जमाने का। एक कहावत मशहूर है, महारानी विक्टोरिया का हाथ चोरी हो गया था, वो ये बाजार में मिला था। जरा पहले ना ये बाजार का नाम था शोर बाजार, मीन्स तेजी से आवाज लगा के यहाँ पर सामान बेचते थे, और उसके बाद इस जगह का नाम हो गया चोर बाजार। जब विक्टोरिया जो क्वीन थे उनका हार खो गया था और यहाँ पर मिला, उसके बाद इसका नाम हो गया चोर बाजार। इंटरेस्टिंग। ये ओरिजिनल है क्या? ये नाइकी के शूज और ये सब? ये हाँ जी ओरिजिनल। हाँ, क्या प्राइस है? 800। ओरिजिनल है? लॉर्ड का मॉडल। वाओ, का नाम क्या है? अनवल शाह। गुजराती हैं आप? नहीं। अच्छा, ओके। कितने साल से यहाँ पर? 50 साल। 50 साल हो गए, मेरी उम्र 24 है। अच्छा, आपके पापा चला देते? ओके। अच्छा, फ्राइडे को देखना? नहीं नहीं, ट्यूसडे को आएगा। ये ट्यूसडे को चैनल पे आएगा। किस कौन से चैनल में आएगा? ये आर्या बोरा चैनल, मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं और काफी हेल्पफुल लोग हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और अभी मैं आगे जा रही हूँ। क्या है ये? रोड मापने का स्थान है। रोड मापने का रहता है? रोड मापने के लिए है। कितने साल से हैं आप? 8-10 साल से। 8-10 साल से है। ओके, आपका क्या वर्क है, क्या करते हैं आप? स्पेयर पार्ट्स। लिटरली जब आपकी कार बिगड़ जाती है और कंपनी में आप अपनी कार दे दो ना, इतना लंबा खर्चा आता है, बट चोर बाजार से सामान लाने में बहुत सस्ता पड़ता है, यहाँ पर बहुत ही चीप सामान मिलता है। सलमान, थैंक यू, बाय। कौन सी गाड़ियों का? मर्सिडीज, BMW, Volkswagen, समझे, और ऑडी और बेंटली, रोल्स, उसका सामान बोलो हमारे पास से, हम ला के देंगे, ओरिजिनल सामान होगी। और मैं यहाँ पिछले 15 साल से आता हूँ और मुझे बहुत बेनिफिट मिला है, और सबसे बोलता हूँ कि सब यहाँ आया करो, यहाँ पे अच्छा सामान मिलता है और यहाँ पे ईमानदारी से धंधा होता है। कोरोना नहीं है यहाँ पर?
यहाँ पर किसी को भी नहीं है। चोर बाजार में इतना भीड़ है, ये लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कोरोना की कोई केस ही नहीं है, जबकि इतना रश है, इतने लोग है, वाव। हाँ घबराहट हो गई, इन लोगों ने मुझे बोला कि यहाँ पर केसेस नहीं है तो मैं थोड़ी फ्री हो गई, रिलैक्स। वैसे तो सारे शॉप चालू रहते हैं, बट अभी जुम्मा है, फ्राइडे, और मुझे इस बात का इन्फॉर्मेशन नहीं था, बट थोड़ी बहुत 20-30% शॉप जो हैं वो बंद है यहाँ पर, बट स्टिल हम लोग चले जा रहे हैं। मुझे बोला गया था कि यहाँ पर आके प्राइस में बार्गेन नहीं करना पड़ता। 800 रुपीस पूरा फिक्स प्राइस है। ये क्या प्राइस है? 400 रुपीस? नहीं नहीं बहुत ज़्यादा है, कितने में दोगे? 300 भी ज़्यादा है, मैं चोर बाजार में हूँ। नहीं बैठ, नहीं पानी नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी फिलहाल बंद है सब कुछ कोरोना की वजह से, लेकिन कुछ तो दुकानें चालू है, स्पेशली फ्राइडे को बंद रहता है, ऐसा बोल रहे हो? मुस्लिम मेरे लोग नमाज बाद चालू करते थे, लेकिन अभी बिजनेस नहीं है, लॉकडाउन है, पब्लिक नहीं है, तो ऑलमोस्ट बंद रहता है फ्राइडे। सब पुराने पुराने लोग, मैं वही बोल रही हूँ, तो ये लोग पुराने लोग सामान बेचते हैं यहाँ पर आके, अपने घर का सामान ये सब। अगर मेरे पास पुराने फ्रिज टीवी है तो मैं बेच सकती हूँ आके। अरे मैंने ऐसा सुना है कि चोरी का सामान बिकता है यहाँ पर, ऐसा भी ना, गाड़ियाँ चोरी की बिकती है। हर एक कंट्री में शोर बाजार रहता है, हर एक कंट्री में, चाहे तुम गल्फ में जाओ, यूरोप में जाओ, कहीं भी जाओ, हर एक कंट्री में ऐसी एक मार्केट रहती है और है सेम नाम रहता है शोर बाजार। ये कितने साल पुरानी? 120 साल। ये बोल रहे 120 साल पुरानी दारू की बॉटल है, एंटिक, महाराजा के टाइम की, और अभी भी इसमें है। यहाँ पर इतने सारे कार का सामान दिखाई दे रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है सब चोरी की गाड़ियाँ है क्या। मैं अपनी गाड़ी के लिए कुछ पार्ट्स देख रही हूँ, देखती हूँ क्या प्राइस मिलता है यहाँ पर। मुझे एक हेडलाइट चाहिए, थोड़ा अच्छा वाला दिखाना एकदम, है दिखाना बस वही है, उतना ही, वो दूर तक नहीं जाएगा ना, लेकिन कितने का है वो? 1100 रुपये में दो। नॉर्मली क्या प्राइस होता है? 1100 का दो, थोड़ा प्राइस कम कराते हैं। कितने का दो के दिखाओ मुझे भाई। वैसे ना थोड़ा सा यहाँ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, लोग बहुत ज़्यादा प्राइस बता रहे हैं, वैसे यहाँ पर बहुत डिस्काउंट मिलता है, बट अभी और आगे जा रहे हैं। अपने ऊपर है, चॉइस के ऊपर है, जैसे आपको चाहिए सस्ता चाहिए तो सस्ते में, अपने बजट में आप मांग सकते हो, सामने वाले कर सकते हैं। चाइनीज बीड्स 1940 के जमाने का, तो ये लॉक चाइनीज है ना? नहीं, ये तो ऐसा लगा के लगा था किसी। और इसका प्राइस ये बता रहे हैं 1800 रुपीस के आसपास, 1800। आपका नाम क्या है? शफी। तो ये शफी की शॉप है और यहाँ पे सारी एंटिक वॉचेज हैं, वॉल क्लॉक्स, और ये सब 60-70 इयर्स ओल्ड। ओके सी, कितने साल पुराना होगा ये? सारी एंटीक चीजें, ये भी पुराना है बट इसके ऊपर पॉलिश करके अभी इन लोगों ने सेल करने के लिए रखा है। ये कितने साल पुराना है? 50-60 इयर्स ओल्ड रेडियो। अभी एक है ना खुफिया जगह पर आई हूँ मैं, और यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस माय गॉड सी कैसा सामान है, सारा एंटिक फ्रेम्स, पुराने लैम्प, बॉटल्स, विस्की की
ओह माय गॉड, बाप रे क्या क्या है, कहां कहां से है, इन्हें प्लेट्स तक है, ये देख रहे हो प्लेट्स, और इसके डिजाइन भी कितने डिफरेंट, एकदम ओल्ड जमाने के। ये मिरर की फ्रेम है यहाँ पर, पता नहीं कहाँ से आता होगा, मीन्स लोग अपने घर के पुराने सामान जो है ना वो बेचते हैं यहाँ पर। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा सामान पड़ा हो ना, मुंबई के चोर बाजार में आ जाओ और बेच दो। मुझे अभी और आगे जाना है, एक दुकान है यहाँ पर, आई होप वो चालू हो। सारी दुकानें अंदर अंदर कोपचे में है। चाचा मुझे यहाँ पर लेके जा रहे हैं, यहाँ पर एंटिक तिजोरी है, कबर्ड सारे लाइक किसी अंकल कितने साल पुरानी है ये सब तिजोरियाँ? 25 साल 30 साल। खजाना है खजाना। चोर आया, खुले नहीं रहा। ये पुराने फिल्म्स में देखा करते थे 1980s के। वाओ अमेजिंग डिजाइन देख रहे हो, है तो वैसे गोदरेज की लेकिन पुरानी है। माय गॉड कितना हैवी है। ओ वाओ, ये खोलने भी दो लोगों का काम है। नॉट बैड। ज्यादातर गुजराती और मारवाड़ी लोग जो हैं वो ऐसी तिजोरियां रखते हैं ज्वेलरी की दुकान पे, सामान रखने के लिए, और बैंक, बैंक में से बड़े बड़े तिजोरी होता है। नाइस, लेट्स गो। कहाँ पर मंदिर? ये फ्रेम, आई वॉज लुकिंग फॉर दिस। कोई है? कोई है? बाप रे, पता नहीं कौन से जमाने की चीजें हैं ये सारी, महलों में देखी है मैंने तो। इंटरेस्टिंग। वाओ कलेक्शन इज गुड। यहाँ पर सबसे ना अहम बात, सबसे मेन बात ये है कि आप प्राइस बार्गेन कर सकते हो। देखो वैसे तो इतना बड़ा मार्केट है कि आप बस घूमते ही रह जाओगे, और मेन बात हमको लगता था कि ये सारी चीज़ें सिर्फ शोरूम में मिलती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मुंबई का चोर बाजार अच्छा मार्केट है, प्राइस भी बहुत रिजनेबल है, आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो, और घूमने के लिए एक अच्छा सा अट्रैक्शन भी है अगर बाहर से आते हो। अगर आपको आना है तो फ्राइडे को मत आना, फ्राइडे को काफ़ी शॉप बंद रहती है, बट आई होप आपने ये व्लॉग इन्जॉय किया होगा, समथिंग रियली डिफरेंट। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड छोटा सा बेल आइकन है प्रेस ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर, बाय।